नजम सेठी कहते हैं पीएसएल के फाइनल मैच से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी। फाइनल मैच शाम को होगा जिसे देखने के लिए 8 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट लाहौर आएंगे। टिकटों की फरोख्त सुबह से शुरू हो जाएगी। सबको मुबारक हो। आपके सपोर्ट की जरूरत है। सेंचुरी देख अपनी टॉर भी स्टाइल भी है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह नजम सेठी ने मीडिया को बताया कि पीएसएल का फाइनल मैच लाहौर में होगा। पीएसएल के फाइनल मैच से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी। शाहिद अफरीदी ऑन द मनी वंस अगेन। इसकी कामयाबी के बाद वो ये पैगाम दुनिया को बताएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह क्रिकेट वापस आएगी, अपने घर आएगी। पाकिस्तान की ये धड़कन है, ये दिल की धड़कन है, ये दिल पाकिस्तान में ही धड़केगा। नजम सेठी का कहना था कि 3 मार्च को टीमें फाइनल में आएंगी, फिर पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान खेलने आएगा और कौन नहीं। अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी ना आना चाहे तो उसका मुतबादल इंतजाम करेंगे। उन्होंने बताया कि फाइनल मैच देखने के लिए आईसीसी और इंग्लैंड समेत 8 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ऑफिशियल्स लाहौर आ रहे हैं। पीएसएल का फाइनल मैच शाम को होगा। टिकटें ऑनलाइन और आउटलेट्स पर फरोख्त की जाएंगी। इंशाल्लाह 8 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने रजामंदी दे दी है, वो आएंगे लाहौर का मैच देखने के लिए। कल से टिकट सेल्स हो जाएंगी शुरू, उसमें ऑनलाइन सेल्स भी होंगी और आउटलेट्स से भी होंगी। इसके डिटेल्स आपको कल ही मिल जाएंगे। सरबराह पीएसएल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान चाहता था कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में हो। कौम ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। पाकिस्तान में पीएसएल का इनेकाद किसी एक फर्द की कोशिश नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका कोशिश और कामयाबी है। नजम सेठी का कहना था कि अफवाहों से ग्रेज किया जाए क्योंकि फाइनल मैच को कामयाब बनाना सबकी जिम्मेदारी है।